हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। सो व्यूवर्स, आज देखिएगा मैं आपको जैसा मार्किंग किया गया ना उसके बारे में प्लान और सेंटर लाइन प्लान दोनों दिखा के आपको दिखाऊंगा ऑन साइट। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक एंड सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो मैं तो अपना पूरा खुद का ध्यान रखे कर रहा हूँ, बहुत धूप है तो सबसे बेस्ट मैं वे बताऊँगा मार्कआउट करने का, सुबह के वक्त करना चाहिए, ऐसा धूप में मत कीजिएगा। तो बस थोड़ा बहुत कुछ टाइम आपके ऊपर निर्भर रहेगा, अगर आपको कन्वीनियंट हो गया तो सुबह करना सबसे बेस्ट। एंड प्लॉट का साइज़ है 32x38 एंड यहाँ पे जो कॉलम आ रहे हैं 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखते हैं पूरा फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा, लेट अस सी। के 32x38 फीट टोटल एंड ये प्लान आपका, ये देखिएगा प्लान, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लान। ये ऐसा रहा है कार पार्किंग एरिया, नॉर्थ फेस इसका रोड, कार पार्किंग हॉल, यहाँ पे किचन और इधर जो है आपका बेडरूम नंबर 2 एंड यहाँ पे बेडरूम नंबर 1। इधर अटैच टॉयलेट एंड बाथ स्टोर रूम आ रहा है, ओके। एंड इस तरह का अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसा है कैसा नहीं डिटेल के साथ, लेट अस सी। सो व्यूअर्स, अभी ये फुल व्यू आप देख सकते हैं, मैं पूरा टॉप व्यू में खड़ा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेंगे हम फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे एक कॉलम आ रहा था बट यहाँ पे स्टेयरकेस सॉरी वेल है तो उसकी वजह से इसको शिफ्ट किया गया थोड़े यहाँ पे, 12 नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। अब नेक्स्ट जो रहता है आपका कैसे कौन सा कहाँ से आ रहा है, इधर था सर जेसीबी, नेक्स्ट जो आता है, अब रूम का पोजीशन देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए व्यूअर्स, ये पार्किंग एरिया, ये जो कुआं है ना यहाँ से पार्किंग एरिया आ जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये पूरा आपका हॉल, ठीक है, ये आपको हॉल मिल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे किचन, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जो है ये एरिया में जो आपको किचन और अटैच टॉयलेट एंड बाथ मिल जाएगा। फिर उसके बाद पीछे जो है 2 बेडरूम आ रहा है, वहाँ पे एक बेडरूम, वहाँ पे एक बेडरूम, सो बेडरूम टोटल इस तरह से मिल गए आपको, 2 BHK पोर्शन 32x38 फीट में या फिर 38x32 आप मान सकते हैं ऑन एंड अराउंड। तो इसके लिए एस्केवेट कितना करना चाहिए, डेप्थ जो है लगभग 3-4 to 5 फीट हो जाएगा, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे ऊपर। एंड ये जो फुटिंग के लिए क्या है 4x4 का लिया गया, डेप्थ जो है डिपेंड रहेगा, ओके, टाइप एंड और एक चीज़, जब भी आप मार्कआउट करते हैं तो ये जो लाइन डाल रहे हैं ना, फर्स्ट क्या किया गया हम विस्तार में एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये डोरी आउटर डोरी का फर्स्ट एग्जैक्ट लिया गया, उसके बाद आउटर डोरी से सेंटर लाइन लिया गया, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर वहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसा लाइन पे भी सेंटर टू सेंटर लिया गया, ओके। यहाँ पे सीढ़ियाँ आ रहे हैं एंड वो एंड से देखिएगा वहाँ से वहाँ तक देखिएगा, अभी ये सेंटर लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वहाँ पीछे की तरफ देखिए तो 12 फीट 3 इंच और 15 फीट, वहाँ से वहाँ तक 12 फीट 3 इंच, फिर वहाँ से वहाँ तक जो है ना 15 फीट तक आ रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो एंड से ये एंड आना, सेम उसी तरह से वो एंड से वो एंड, तो स्टेप बाय स्टेप सभी का देख लेना चाहिए। तो 13 फीट 11 फीट 11 फीट इस तरह से आ जाएगा, ओके। एंड ये होगा इस तरह का ऑफसेट एरिया, 2 फीट का ऑफसेट दिया गया, एक्चुअली ये लैंड उनका ही है बोल के वहाँ से थोड़ा सा 15 इंच एक्सटेंड लिया गया, 38 के बदले क्या है ऑलमोस्ट लाइक 40 आप मान सकते हैं ऑन एंड एवरेज। अगर इस रिलेटेड कोई डाउट है मैं सही तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट मी टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हैव अ ग्रेट डे।